हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे मैट्राइसिस मैथमेटिकल फिजिक्स में. ओके, तो मैट्राइसिस में लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड देन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, उसके आइगन वैल्यू किस तरह के हो सकते हैं, उसके डायगनल्स के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. ओके, इसके बाद हम देखते हैं जो नया टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होती है जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है. ओके, तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं हम. तो जो पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, ईच रो एंड कॉलम, ईच रो और कॉलम आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, टू ईच अदर. ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. आपको ऑर्थोगोनल का मतलब पता हो, ऑर्थोगोनल का मतलब अगर मैं मेरे पास एक वेक्टर है और मेरे पास एक और वेक्टर है, अगर मैं दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लूँ और स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो आता तो मैं कहूँगा दोनों वेक्टर क्या है हमारे पास, वो ऑर्थोगोनल है. यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे है और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ओके, तो ऑर्थोगोनल आपको पता है क्या होता है. तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी रो होंगे और रो से ऑर्थोगोनल होंगे. ओके, तो एक रो को मैं एक वेक्टर कंसीडर करूं और दूसरे रो को मैं अनदर वेक्टर कंसीडर करूं और दोनों का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लूं तो अगर वो जीरो आता है तो इसका मतलब दोनों रो एक दूसरे से क्या है, ऑर्थोगोनल है. तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि वो जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो ऑर्थोगोनल हो सकती है. ओके, अब जो सेकंड कंडीशन होती है मेरे पास, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, वेयर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वेयर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, तो जितने भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे उसमें क्या होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होगा. ओके, तो ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है. प्लस माइनस के अलावा अगर कोई और वैल्यू होती है इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है. ओके, तो ये एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है, एसेंशियल कंडीशंस है किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए. ओके, और जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ए ए डैगर, ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और ए ट्रांसपोज ए. ओके, तो इस तरह से आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को इग्नोर किए आप सिंपली इस एक सिंपल इक्वेशन को वेरीफाई करके आप ये बता सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है. ओके, तो थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास ए ए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ये इस आइडेंटिटी को अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो आपको कोई और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एसेंशियल एंड सफिशियंट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए. ओके, तो इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है ए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है. तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं, तो मैं इससे कंपेयर करने के बाद मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. ओके, तो अगर मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ओके, अगर मैं उसको ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो कुछ नहीं देगा, उसका इनवर्स दे देगा, मैट्रिक्स का इनवर्स दे देगा. ओके, तो बेसिकली आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय जस्ट वेरीफाइंग दिस आइडेंटिटी ए इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी और यू कैन चेक ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ओके, सो दिस इज एसेंशियल एंड सफिशियंट कंडीशन. इसके अलावा ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है. ओके, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अगर इफ आई हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी. ओके, एंड दिस टू मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, वेयर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. ओके, देन
देन ए बी एंड डी ए ऑलवेज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और वो ऑर्थोगोनल है, तो उस केस में ए इंटू बी या बी इंटू ए हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, इसे प्रूफ करते हैं हम। अगर इसका मैं प्रूफ देखूँ तो काफ़ी सिंपल प्रूफ है इसका। मेरे पास ए, मेरे पास गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ओके, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी इनवर्स। ओके, अब ये मेरे पास ये नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूँ मैं, या ओके अब मैं क्या करता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता तो क्या होगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, अब बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज को मैं बी इनवर्स लिख सकता हूँ इंटू ए इनवर्स। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं इसे ए बी इनवर्स लिख सकता हूँ। ओके, इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपके पास ए बी इनवर्स है तो उसे आप लिख सकते हो बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है सिंस, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी इनवर्स। इसका मतलब ए बी इज एन ऑर्थोगोनल, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेक फॉर बी इन टू ए, ओके, बाय फॉलोइंग द सिंपल मेथड। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज देखी। ओके, जिसे हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं। ओके, तो इन प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें जो मेन है, ईच रो एंड कॉलम आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस वन, एंड द एसेंशियल सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन मैट्रिक्स टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए इनवर्स इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज इफ ए एंड बी आर, if a and b, where a and b are orthogonal matrix, then a b and b a always orthogonal matrix। हो गया, उसे हमने प्रूव भी किया। ओके, तो इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस पर, और इस पर मैं एक प्रॉब्लम देखूँ, तो मैट्राइसिस की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जनरली उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उससे पहले एक एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेसिस। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रेस क्या बताया था मैंने आपको, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई ए आई। ओके, वेयर ए आई आई diagonal elements of matrix A. Okay, so trace of A equals to summation of A I I, where A I is nothing but the diagonal elements of a matrix, are the diagonal elements of the matrix. Okay, अब हमारे पास एक property होगी, अगर if I have a trace A, then it will be equals to summation of lambda I, where lambda I is eigenvalues of matrix A. Okay, and this is also equals to AII. ओके, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास ट्रेस है आपके पास। ओके, तो ट्रेस हमने पढ़ा था कि ट्रेस जो होता है डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप सम कर दो तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो होता है आपके पास ट्रेस। ओके, और हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रेस होता है वो अगर आप आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हो कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन से, तो उससे जो आपको आइगन वैल्यू फाइंड होता है अगर आप उसको सम करते हो तो आपको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारे पास। सेकंड है हमारे पास ट्रेस
नॉट ट्रेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई लैम्डा आई। ओके, ये नोटेशन आपने यूज किया होगा। बेसिकली ये जो पाई का जो सिंबल है ये यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको पता होगा। और ये जो समेशन का, ये जो हम सिग्मा साइन यहाँ पे यूज करते हैं वो समेशन के लिए होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। और ये वाला सिग्मा क्या होता है, पाई का जो सिंबल कहते हैं, इसे हम जो है पाई जैसा दिख रहा है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द आइगन वैल्यू दैट यू आर फाइंडिंग फ्रॉम आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो यू कैन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेसेस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट की भी बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, हम कह देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, क्योंकि हम बेसिकली आइगन वैल्यू से, आइगन वैल्यू से डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड कर रहा, लाइक ट्रेस, डिटरमिनेंट। ओके, तो इसीलिए मैंने इसका हेडिंग चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू। अब हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था, प्रूफ मैंने बताया था, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका जो डायगनल एलिमेंट है ना वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अगर मैं इसे देखूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास 1 1 1 1 2 3 3 2 1। ओके, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 1 2 3 3 2 1। ओके, अब मैं अगर मैं डायगनल एलिमेंट्स को देखूँ तो क्या मेरे पास 1 2 3 1 2 1 और यहाँ पर 1 2 1। तो क्या होता है, जो अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो जो उसका डायगनल एलिमेंट वो चेंज नहीं होता। अगर डायगनल एलिमेंट नहीं चेंज होता इसका मतलब डायगनल एलिमेंट के जो सम होंगे वो भी चेंज नहीं होगा, और डायगनल एलिमेंट का सम क्या होता है, ट्रेस होता है। ओके, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज थी आइगन वैल्यू के रिलेटेड। ओके, अब सपोज करो, अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ, सपोज करो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, मेरे को गिवन है इसकी कुछ आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n। ओके, सो आई हैव अ मैट्रिक्स ए। ओके, एंड आई एम फाइंडिंग द आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n एंड ओके, और उसके बाद मेरे को कहा जाता है कि फाइंड द आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, ए इंटू मैट्रिक्स ए। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया के। ओके, तो बेसिकली के इज अ स्केलर है यार। ओके, सो बेसिकली आई एम डूइंग अ आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स टू फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स। ओके, सो आई कैन कॉल दिस मैट्रिक्स अ न्यू मैट्रिक्स लाइक बी। ओके, न्यू मैट्रिक्स बी। ओके, एंड आई मेरे को कहा जा रहा है कि जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है उसका आपको क्या करना, फाइंड करना है आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 उसकी आइगन वैल्यू गिवन है। ओके, और आपको पूछा जाए कि के अगर आप किसी उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसकी अगर आइगन वैल्यू की मैं बात करूं तो आपको बस ये याद रखना, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली होता क्या, उसके जो आइगन वैल्यू हैं जो नए आते हैं वो के टाइम्स हो जाते हैं। ओके, तो मेरे पास अगर मैं इस न्यू मैट्रिक्स का अगर मैं आइगन वैल्यू निकालना चाहूँ तो के टाइम्स लैम्डा 1, के टाइम्स लैम्डा 2 एंड सो ऑन, के टाइम्स लैम्डा n। ओके, तो ये आपको याद रखना, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आइगन वैल्यू में भी वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर मैं प्रूफ नहीं बस अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ, जैसे कि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n। ये हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, सो
So I am writing here determinant of A is equal to lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda n. Okay. So with the help of eigenvalue, I can find determinant of A matrix. Okay. And now, if I want to find the determinant of K into A, okay, and the order of matrix A is n cross n. Okay, so I have a given a matrix whose order is n cross n, n by n. Okay, and I have been asked to calculate the determinant of K into A. Okay, so kaise find karoge aap? तो इसके लिए आपको पता होगा कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए फाइंड किया जाता है तो उसके जो जो भी स्केलर होता है उससे आप पावर से उसके जो भी ऑर्डर है उस जो भी ऑर्डर है के टाइम के को जो भी आपको स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हो वो उसे हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं जहाँ पर एन क्या होता है ऑर्डर होता है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है. ओके ये आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स एन डिटरमिनेंट ऑफ ए. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4. ओके अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं इसे मैं कह देता हूँ सी. ओके अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा 4 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2. ओके अब मैं इसी मैट्रिक्स में क्या कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू सी तो मुझे क्या मिलेगा 2 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एंड 8. ओके अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँ डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू सी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 4 6 इंटू 4 माइनस 24 दैट मीन इट इज इक्वल टू 8. ओके अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 2. ओके एंड 2 टू द पावर 2. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2 है 2 क्या था हमारे पास स्केलर और ये जो 2 है ये जो पावर में 2 है ये बेसिकली इसका ऑर्डर है क्योंकि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. ओके तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 जो जो भी स्केलर होता है उसके हम उसके ऑर्डर जितना भी उसके टाइम्स कर देते हैं उसके पावर में डाल के उतना ही टाइम्स कर देते हैं. ओके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम चीज़ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. ओके तो ये हमें पता है. ओके अब अगर मैं इसी डिटरमिनेंट को अगर मैं आइगन वैल्यू के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसी को मैं लिख सकता हूँ मैं के टाइम्स लैम्डा 1. ओके के टाइम्स लैम्डा 2 के टाइम्स लैम्डा 3 एंड के टाइम्स लैम्डा एन. ओके इक्वल्स टू के टाइम्स एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन. ओके तो अगर मैं देखूं मेरे पास k कितने टाइम्स है मेरे पास यहाँ पे n टर्म्स है तो k कितना हो जाएगा k टाइम्स n लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इक्वल्स टू k n लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसका मतलब k n डिटरमिनेंट ऑफ a. ओके एंड ये हमारा राइट साइड तो ऑलरेडी था डिटरमिनेंट इसका मतलब RHS इक्वल टू LHS. ओके तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं. ये कोई रिग्रेस प्रूफ नहीं है बस ये वेरिफिकेशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आइगन वैल्यू भी के टाइम्स अगर हो जाए तो उसके डिटरमिनेंट जो भी है वो इनवेरिएंट रहता है. इसका मतलब जो आपका आइगन वैल्यू हमने के टाइम्स किया है वो बिल्कुल सही है. ये सिर्फ और सिर्फ वेरीफिकेशन है. ओके इसके बाद हम तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी. इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास. तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी हम कंटिन्यू करते हैं. अगर आपके पास के टाइम्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर के एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आइगन वैल्यू में के टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना. ओके अगला जो है हमारे पास अगर आपको दिया जाए आपके 6th है मेरे पास. ओके आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है. ओके और आप क्या करते हो उस मैट्रिक्स का पावर ले लेते हो. ओके सो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स एन टाइम्स. ओके यू आर मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स ए एन टाइम्स. ओके और आपको गिवन सबसे पहले हम बात कर ले आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू गिवन है लैम्डा 2 लैम्डा एन. ये आपके कुछ आइगन वैल्यू गिवन है और आप क्या करते हो एक ए टाइम जो भी मैट्रिक्स ए है उसे आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में जो आपका आइगन वैल्यू होगा वो होगा एन लैम्डा 1 एन लैम्डा 2 एन और लैम्डा एन से और ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए. ओके तो लैम्डा एम एन. ओके
तो इसका मतलब अगर मैं इससे सिंपल एग्जांपल से देखूं, अगर मैं पर मेरे पास मैट्रिक्स एल ए स्क्वायर, ओके, तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे क्या होगा, लैम्डा वन स्क्वायर और लैम्डा टू स्क्वायर, लैम्डा थ्री स्क्वायर एंड लैम्डा एन स्क्वायर. Okay, so if you are given a matrix A with its eigenvalue lambda 1, lambda 2 and lambda n, and you are set to calculate eigenvalue for A square, okay, A multiplied with A gives A square, and you are set to calculate eigenvalue for A square, then you just need to multiply each eigenvalue with itself to find eigenvalue for A square. Okay, तो आपको क्या करना है, ये जो lambda 1 है उससे lambda 1 से multiply कर देना, जिससे आपके पास जो नया lambda 1 मिलेगा lambda 1 square वही होगा आपके पास A square का eigenvalue. Okay, अब हमारे पास जो sixth है हमारे पास let's suppose आपके पास A है. Okay, अगर आपके पास A है और इसके आइगन वैल्यू हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n, और आपको पूछा आ जाए ए इनवर्स का आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना है, तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा बेसिकली होगा लैम्डा 1, बेसिकली आपको पावर करना है लैम्डा 2 इनवर्स लैम्डा n इनवर्स. ओके, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो. इसमें सिक्स्थ को हम थोड़ा देखते हैं, सिक्स्थ इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इससे कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्या. तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मैं देखूं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ आई लैम्डा आई. ओके, तो जैसे मैं कह सकता हूँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड प्लस लैम्डा एन, तो ये मेरे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है मेरे पास. ओके, अब फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n. ओके, जहाँ पर ये क्या है, ए इनवर्स का एक आइगन वैल्यू, ये क्या है, ए इनवर्स का दूसरा आइगन वैल्यू, और हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स. ओके, अब अगर मैं इसे देखूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट. ओके, और ये एक्चुअली प्लस नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है. ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है मेरे पास क्या है, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है. तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट डिराइव कर रहा हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू रेसिप्रो 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू यूनिटी. ओके, तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करते हो, दूसरा मैट्रिक्स ए इनवर्स उसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका जो आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए. ओके, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपको जो आइगन वैल्यू आपने फाइंड किया है वो सही है या नहीं. अगर इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब जो भी आपने आइगन वैल्यू फाइंड किया है उसे आप सही मान सकते हो. ओके, तो ये वेरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है. ओके, इसके बाद हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. ये जो आइगन वैल्यू के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. ओके, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में इन प्रॉपर्टीज़ को याद यूज़ करके प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फिजिक्स में पूछा जाता है. ओके, तो अब हम देखते हैं अगला. तो अगला है हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 0 0 -a/2 एंड 0 1 0 -a/2 एंड 0 0 1 -a/2 एंड 0 0 0 a. ओके, सो आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स हियर एंड टू आइगन वैल्यू पॉसिबल टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स
आर एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट ए वन एंड जीरो, बी वन एंड माइनस ए, ओके एंड सी हाफ एंड माइनस ए बाई टू एंड डी हाफ एंड ए बाई टू. ओके सो आई हैव अ क्वेश्चन हेयर. आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स, लेट सपोज कॉल्ड इट ए. ओके सो आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए इन दिस फॉर्मेट. ओके इट्स अ 4x4 मैट्रिक्स. ओके एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द आइगन वैल्यू, पॉसिबल आइगन वैल्यू, टू पॉसिबल आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स. एंड आई हैव गिवन द ऑप्शंस 1 एंड 0, 1 एंड माइनस 1, हाफ एंड माइनस ए बाई टू एंड हाफ एंड ए बाई टू. ओके सो इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड करेंगे हम. ओके तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यू अब कैसे फाइंड किया जाता है. आइगन वैल्यू हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई मोड ऑफ इक्वल्स टू जीरो. तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मैं इसे कह रहा हूँ, इसे कहा जाता है आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके तो इसे सॉल्व करके हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स के लिए. तो मैं क्या ले सकता हूँ इसे, मॉड 1 माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, 0 0 माइनस ए बाई टू, 0 माइनस ए बाई टू, 0 0 0 माइनस ए बाई टू एंड 0 0 0. ओके एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट फॉर दिस मैट्रिक्स. ओके एंड यू विल गेट पॉलिनोमियल फॉर लैम्डा. ओके एंड यू जस्ट नीड टू सॉल्व दैट पॉलिनोमियल टू गेट रूट्स फॉर दैट पॉलिनोमियल. ओके एंड द पॉसिबल रूट्स विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड दैट लैम्डा विल बी कॉल्ड, वी विल कॉल्ड आइगन वैल्यू फॉर अ मैट्रिक्स. ओके सो अगर इसे मैं सॉल्व करूँ, इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस लेमडा 0 माइनस ए बाई टू, 0 1 माइनस लेमडा माइनस ए बाई टू एंड 0 0 ए माइनस लेमडा. सो आई एम बेसिकली एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस. ओके सो आई विल गेट दिस मैट्रिक्स ओके इक्वल्स टू 0. तो 1 माइनस लेमडा अगर मैं इसके अबाउट एक्सप्लेन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस लेमडा माइनस ए बाई टू, 0 ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. तो इसे मैं कह सकता हूँ 1 माइनस लेमडा टू द होल स्क्वायर एंड 1 माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. जिससे मैं कह सकता हूँ 1 माइनस लेमडा टू द पावर क्यूब ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. जिससे आइगन वैल्यू जो आ रही हैं वो क्या है, लेमडा इक्वल्स टू 1 1 1. ओके एंड लेमडा इक्वल्स टू ए. ओके तो यहाँ पे हमें जो आइगन वैल्यू मिल रही है वो डी जनरेट आइगन वैल्यू है 1 1 1. तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो क्या, डी जनरेट है. ओके और जो डिफरेंट आइगन वैल्यू मिल रहा है मेरे पास वो ए है. ओके तो इसके जो पॉसिबल आइगन वैल्यू होंगे वो होंगे हमारे पास 1 एंड ए. ओके तो जो ऑप्शंस थे उसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें जो आइगन वैल्यू होंगे 1 एंड ए होगा. ओके तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के लिए. ओके इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर. तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है ट्रेस के प्रॉपर्टीज के ऊपर. मेरे पास है गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1. ओके एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड बी लेमडा इक्वल्स टू 1 एंड सी बोथ
of eigenvalue, both of eigenvalues are 1, and the fourth one is neither of eigenvalue are 1. Okay. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे पास बेसिकली मेरे को ट्रेस गिवन है और डिटरमिनेंट गिवन है और मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो अननोन है. ओके, तो मेरे को मैट्रिक्स क्या थी वो गिवन नहीं है, बस उसकी ट्रेस की वैल्यू गिवन है और डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है और सब मुझे क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स अगर अननोन हो तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो ट्रेस जो आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज थी उसे यूज करना है. ओके, तो हमने पढ़ रखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई लैम्डा आई. ओके, द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स ए. ओके, तो अगर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3. ओके, और ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 2 है. ओके, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 2 बाय 2 तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, ऑर्डर है इसका 2. ओके, तो जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होंगे वो उसके ऑर्डर के इक्वल होंगे. ओके, जैसे कि मेरे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो सिर्फ 2 ही पॉसिबल होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ओके, तो यहाँ पे जो भी आइगन वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्योंकि इसके जो पॉसिबल आइगन वैल्यू है सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है. अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता तो इसका ऑर्डर 3 होते, तो मेरे को लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 लिखना होता. ओके, तो इसके जो आइगन वैल्यू हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. ओके, तो और इसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 1. ओके, तो ये मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ. और जो सेकंड गिवन है मेरे पास वो है मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट मेरे को पता है डिटरमिनेंट होता है मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पाई आई लेमडा आई. ओके, जो कि होगा मेरे पास लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल्स टू 1. ओके, तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन है विद टू डिफरेंट वेरिएबल जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दो इक्वेशन विद टू डिफरेंट वेरिएबल. ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक वेरिएबल सेपरेट करके इसमें ये जो मेरे पास दो वेरिएबल है इसे एक वेरिएबल के इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करता हूँ. ओके, तो यूजिंग फर्स्ट यूजिंग सेकेंड. ओके, लेमडा 2 इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा 1, और पुटिंग इन फर्स्ट लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 इक्वल्स टू 1, जिसे हम कह सकते हो लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लेमडा 1, जिससे लेमडा 1 स्क्वायर माइनस लेमडा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, जिसे आप सॉल्व करके ये मेरे पास क्या बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो अगर इसमें सॉल्व करूँ तो देखते हैं हमें आइगन वैल्यूज क्या मिलती हैं. तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो माइनस जी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी यहाँ पर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या मेरे पास 1 और सी क्या मेरे पास 1. ओके, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 3. ओके, तो यहाँ पे मेरे को जो मिल रहा है डी क्या है मेरे पास इमेजिनरी है, मेरे पास क्या है इमेजिनरी. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास जो लैम्डा आएंगे वो रियल नहीं होंगे, जो लैम्डा आएंगे वो रियल नहीं होंगे. अब मैं इसमें देखूँ तो लैम्डा इक्वल्स टू जीरो क्या मेरे पास एक रियल है, रियल आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता. लैम्डा इक्वल्स टू 1 वो भी एक रियल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता. ओके, अब बोथ ऑफ आइगन वैल्यू आर 1. ओके, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो आइगन वैल्यू 1 कह रहा है, 1 क्या है हमारे पास रियल क्वांटिटी है, तो रियल आइगन वैल्यू इसके लिए पॉसिबल है नहीं है. ओके, तो बसता है हमारे पास थर्ड, नीदर ऑफ आइगन वैल्यू आर 1. ओके, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है. ओके, क्योंकि जो आइगन वैल्यू है वो 1 नहीं होगा, वो रियल नहीं है. ओके, तो ये अगर 1 नहीं होता ये कुछ इमेजिनरी हो सकता है, इसलिए इसमें जो पॉसिबल करेक्ट आंसर है वो डी हो सकता है. ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी है. ओके.